बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए अपलोड की गई है जिनका कहना है कि तावीज़ात या नक्श हम पर असर नहीं करते और मसला हल होने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाता है, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह के पाक नामों से बने तावीज़ात या नक़ूश इस कदर रूहानी तासीर के हामिल होते हैं कि जिनकी बदौलत तमाम परेशानियों से फौरी निजात मिलती है। लेकिन जिन अफराद का कहना है कि हर किस्म के तावीज़ात पहनने के बावजूद हमें फैज़ नहीं मिला, तो वो अफराद ये वीडियो ज़रूर देखें। नाज़रीन, हमारे रूहानी सेंटर में माहिरीन रूहानियात की ज़ेर निगरानी इसमें आज़म और कुरानी आयात से हर किस्म के तावीज़ात या नक़ूश तैयार किए जाते हैं, जैसा कि मियाँ बीवी में मोहब्बत, पसंद की शादी में आसानी, नाफरमान औलाद को ताबियादार करना, सास बहू में मोहब्बत, ससुराल में इज़्ज़त, बेरोज़गारी से निजात, रिस्क में फरावानी, बैरूने मुल्क सफ़र में आसानी, इम्तिहान में कामयाबी, रिश्ते की बंदिश का तोड़, घरेलू परेशानियों से निजात, शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी ख़त्म करना, नाफरमान बीवी को सुधारना, कारोबार में तरक्की, इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा, बे औलादी, औलाद नरीना, हर दिल अजीज़ होने के लिए कैद से रिहाई, दुश्मन से हिफाजत, काला जादू का तोड़, जिन्नात से हिफाजत और हर किस्म की बंदिश का तोड़ वगैरह। हमारे रूहानी नेटवर्क में जितने भी तावीज़ात तैयार होते हैं वो ख़ास रूहानी मराहिल से गुज़र कर साइलीन तक पहुँचते हैं। पहले मखसूस औकात में नक्श तहरीर किए जाते हैं और फिर उन नक़ूश या तावीज़ात का फैज़ जारी किया जाता है, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग हमारे बुज़ुर्गों से ख़ास कुलियात के तहत अपने अपने नाम का इस्म आज़म फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करते हैं और पूरा हफ्ता अपने मसाइल के हल के लिए वो ज़िक्र इस्म आज़म तलावत करने के बाद हर जुमेरात को हमारे दुआ प्रोग्राम में अपना नाम, मसला और तलावत करदा ज़िक्र इस्म आज़म हमारे उन बुज़ुर्गों को दुआ के लिए अरसाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ मुक़दस मुकामात पर कुल इंसानियत के लिए दुआ फरमाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग उन तमाम अफराद का अरबों खरबों की तादाद में वसूल करदा ज़िक्र इस्म आज़म अल्लाह के हजूर पेश करने के बाद उन तमाम अफराद के मसाइल के हल के लिए जहाँ तक मुमकिन हो उनका नाम लेकर खसूसी दुआ फरमाते हैं और फिर रूहानी सेंटर में मौजूद तमाम नक़ूश पर दम करते हैं, जिससे उन नक़ूश का फौरी फैज़ जारी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली के नाम का इस्म आज़म है या मोमिनू या अल्लाह और उसके आदाद हैं 202। मोहम्मद अली ने पूरा हफ्ता रोज़ाना 202 बार इस्म आज़म या मोमिनू या अल्लाह का विर्द किया और फिर बारोज़ जुमेरात उस इस्म आज़म की कुल तादाद बनी 1414। अब मोहम्मद अली ने दुआ प्रोग्राम में बुज़ुर्गों से दुआ करवाने के लिए अपना नाम, मसला और ज़िक्र इस्म आज़म की कुल तादाद 1414 अरसाल की। मोहम्मद अली की तरह पूरी दुनिया से लाखों अफराद ने भी इसी तरह अपना अपना तलावत करदा ज़िक्र इस्म आज़म दुआ के लिए अरसाल किया, तो उस अरबों खरबों की तादाद में जब मोहम्मद अली का मखसूस तादाद में अरसाल करदा ज़िक्र इस्म आज़म जमा करके अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा, तो मोहम्मद अली को भी अरबों खरबों की तादाद में ज़िक्र इस्म आज़म का फैज़ मिलेगा और फिर मोहम्मद अली के नक्श पर जब दम किया जाएगा तो उस नक्श से भी इंतहा का फैज़ जारी होगा, जिसके वसीले से उसकी दुआ बहुत ही जल्द कबूलियत का दर्जा पालेगी इंशाअल्लाह। इसी तरीक़ाकार के तहत कोई भी साइल अपने मसाइल के हल के लिए यही नक्श या तावीज़ात बतौर हदिया भी मंगवा सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह भी। नक्श हासिल करने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर राबता कायम करें।
अगर आप हमारे चैनल पर आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक मैजिक कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए विज़िट करें www.pray.net.pk। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के सदक़े में आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।